नात खां या शायर इस्लाम नहीं बल्कि हमारी पैदाइश से पहले अल्हम्दुलिल्लाह जिनको नातिया कलाम से ढेर ज्यादा बे इंतहा मोहब्बत। और यकीनन ये जब वो शेर पढ़ रहे थे जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, तो मेरे जहन से भी एक शेर गर्दिश करने लगा था कि सभी झूठे खुदाओं की जलालत होने वाली है, कि सभी झूठे खुदाओं की जलालत होने वाली है, मेरे आका की मक्के में विलादत होने वाली है, सभी झूठे खुदाओं की जलालत होने वाली है, मेरे आका की मक्का में विलादत होने वाली है, कमर अक्सर नजर आता है ख्वाब में तैबा, ऐसा लगता है आज रात तो सरकार की ज़ियारत होने वाली। वाह वाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और हाज़रीन यकीनन और भी शेर बहुत सारे पढ़ रहे थे जिन पर मैंने कई शेर मैंने अपने जहन में रखे कि नबी जिनके दिल में कियाम करते हैं, नबी जिनके दिल में कियाम करते हैं वो आंसुओं का बड़ा एहतराम करते हैं। मैं जब भी लिखता हूँ नाम मोहम्मद कागज पर मेरी कलम को फरिश्ते सलाम करते हैं। नाज़रीन आप हजरात के सामने अभी अभी नातिया कलाम गजल से आप हजरात सामाइन के कुलूब की आबियारी फरमाई। ये थे जनाब हमारे बड़े हम सब के रहबर और हम सब की रहनुमाई फरमाने वाले शख्सियत शायर इस्लाम जनाब हुसैन अहमद साहब, जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी खुश गुफ्तार और खुशकुन आवाज के जरिए से हम सब सामाइन के कुलूब की आबियारी फरमाई। यकीनन अगर मैं ये शायर कह दूं तो बेजाना होगा कि अगर मैं मुमतहिन होता तो नंबर कम नहीं देता, अगर मैं मुमतहिन होता तो नंबर कम नहीं देता, तरन्नुम के अलग देता, तरन्नुम के अलग देता। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खूब।